हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जशन म्यूजिक सेंटर यूट्यूब चैनल कोट कादर, और आप सभी भाइयों का स्वागत है। और ये एम्पलीफायर देख रहे होगे आप, 1943-5200, ठीक है दोस्तों। और इस एम्पलीफायर को हमने तैयार किया है अभी थोड़ी देर पहले, तो इसको हम पूरी सेटिंग आपको कैसे बनाया है, कैसे इसकी बॉडी चेंज की है। कस्टमर का हमारे पास से सेट गया था तो लगभग 3 साल पहले, तो उसको जो है रिपेयर कर रहे हैं, मतलब रिपेयरिंग भी करी है, सप्लाई शॉर्ट हो गई थी और उसकी बॉडी भी चेंज कराई है उन्होंने, क्योंकि सारी बॉडी टूट फूट गई थी। पूरी आपको वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं इसकी बॉडी की मेकिंग, ठीक है दोस्तों, कि हम बॉडी कैसे तैयार कर रहे हैं। ये वाली बॉडी आप देख ही रहे होंगे डिस्प्ले में, तो ये बॉडी हम लगा रहे हैं और यही तैयार कर रहे हैं। और सभी भाई जो भी दर्शक देखने वाले वीडियो हमारी, सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, ठीक है दोस्तों। फॉलो ज़रूर करें, और आप सहयोग दोगे तभी सभी को पता लगेगा कि आपके पास नज़दीक ग्राम कोटकादर तहसील नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, ठीक है, जशन म्यूजिक सेंटर है। वहाँ पर हर तरह का सेट हमारे पास उपलब्ध है, 12 इंची 15 इंची, और जी आपका 10 इंची 8 इंची 6 इंची, सभी तरह के हमारे पास सेट हैं। चाहे ट्रैक्टर वाले ले लो, या कारों वाले ले लो, या बेस ट्यूब ले लो, कोई सा भी सेटअप ले लो हमसे, और सभी तरह की रिपेयरिंग भी हम करते हैं, मोनो हो और सिंपल हो, एम्पलीफायर हो, 30-55 ट्रांजिस्टर वाला हो, कोई सा भी, मतलब A to Z एम्पलीफायर हो, वो हम सब रिपेयर करते हैं, ठीक है भाइयों। आपका सहयोग चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें हमारी। और ये देखिए आप, हम जो है इसको बॉडी तैयार करके और इसमें जो है फैन वैन लगा रहे हैं, जो भी इसका फ़ैन है, और ये ट्रेबल बोर्ड, बास ट्रेबल बोर्ड हमने जो इसका लगा दिया है, इस पर हम नोब लगा देंगे, नोबे तीनों लगा कर उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे अंदर की, ठीक है दोस्तों। बने रहें वीडियो में और देखते रहें जशन म्यूजिक सेंटर, ठीक है दोस्तों। बार बार मैं याद दिलवाता हूँ आपको कि जशन म्यूजिक सेंटर, जशन म्यूजिक सेंटर, ठीक है दोस्तों। आप याद कर लो या नोट कर लो, या मोबाइल नंबर हमारा डिस्प्ले पे DP पे मेंशन है, दे रखा है हमने, और सभी तरह की क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। और एक बार मौका ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। आप सभी भाइयों का सहयोग चाहिए हमें, कि आप ही हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आप सहयोग करोगे तभी सभी को पता लगेगा, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से जो है हम इसकी वायरिंग काट कर, वायरिंग छोड़ कर, जो जो जहाँ तार लग रही थी वहीं पे दोबारा से लगा देंगे फिर, क्योंकि सैरी दोबारा खोल कर हमने इसको वॉश किया है, वॉश करके इसको जो सुखाया है, सुखाने के बाद इस टेम्परेचर पर सुखाया है, और फिर जो है इसको फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हालत ख़राब थी इसकी, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम आपको जो है पूरी वीडियो दिखा रहे हैं बॉडी मेकिंग की, और बॉडी कैसे हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बने रहें वीडियो में और देखते रहें, ठीक है। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये वायरिंग जो है हम इसके जो है कनेक्ट जो छोड़ कर और उस पर दोबारा से सोल्डिंग करके हम जो इसको बोर्ड के साथ लगाएंगे, जो जहाँ की तार जहाँ लग रही थी वहीं लगा देंगे, बैटरी की प्लस स्पीकर की, ठीक है, सारी तारें जो हैं हम जोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट की वीडियो भी हमने जो है आपको शुरू में ही दिखा दी है, फिर भी हम जो है आपको एक बार लास्ट तक एंड तक दिखाएंगे कि कैसे तैयार की है। ये हम ग्राउंड और स्पीकर की तार जोड़ दी हमने दोनों, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये वाला जो है हम इसका ग्राउंड लगा देंगे, और उसके बाद हम प्लस लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने ग्राउंड लगा दिया इसका, ठीक है भाइयों, और ये प्लस है। दोनों वायरिंग जो है हम, मतलब सारी वायरिंग जो है हम जोड़ देंगे, जैसे जहाँ लग रही थी वहीं वैसे ही। और आप भाइयों का प्यार, हम आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए भाइयों, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करते रहें और दूसरे तक पहुँचाएँ, क्योंकि ऑल टू ग्रुप कर दें तो तभी सभी को पता लगेगा, ठीक है भाइयों। और हमारा मकसद आपको दिखाना, एक एक चीज़ बारीकी से हम दिखाते हैं आपको, ठीक है भाइयों। और ये हमने जो है इसके वायर पक्के कर दिए हैं, ठीक है भाइयों। और आप देखिए आप कि हम जो इसके स्पीकर वाले तार, वो भी दोनों हमने लगा दिए हैं। उसके बाद पंखे के बचे और हेड वायर, मतलब ऑडियो वायर बची, वो लगाएंगे, प्लस 12 वोल्ट के लगाएंगे, और इसका जो 50 वोल्ट का करंट जाता है ट्रेबल सर्किट को, वो भी लगाएंगे, ठीक है, सारे तार लगा देंगे, ठीक है भाइयों। और बने रहें और जुड़े रहें, देखते रहें, ठीक है। आप भाइयों का प्यार हमें चाहिए,
और हमारा मकसद आपको यही वीडियो दिखाने का नहीं है, हम और भी वीडियो आपको लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, नई नई टेक्निक, नई नई चीज़। कोई भी जानकारी आपने लेनी है संपर्क भी कर सकते हो, आ भी सकते हो, यहाँ मौजूद हमारे पास, ठीक है भाइयों। और ये हमने जो इसके लेफ़्ट राइट तार लगा दिए हैं, और ये दोनों जो प्लस वाली 12 वोल्ट की हमने तार लगा दी है, ठीक है भाइयों। और ये गुटके हैं इसके, जो हम उल्टा करके इसको पेंच लगाएंगे, वो गुटके हम चारों चिपका देंगे यहाँ पे, जो मतलब कि छोटे ना, ठीक है दोस्तों। और बिल्कुल तरीके से काम करेंगे, तरीके से बढ़िया से, ठीक है भाइयों। और देखते रहें आप, 5219-43 का बोर्ड है और आउटपुट बहुत ज़बरदस्त है इसकी, ठीक है दोस्तों। टू चैनल बोर्ड है और लेफ्ट राइट, ठीक है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही यूनिक आइटम। और इस तरह से जो है हमने ये इसमें वायरिंग वगैरह चिपका कर सब इसको हम फिटिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखते रहें, ठीक है दोस्तों। और हमारा मकसद बस आपको यही दिखाना है कि क्या नाम, क्या कैसे काम करते हैं, ठीक है। और छोटा मोटा तो आप लोग घर पे भी कर सकते हो, वीडियो देखो, ठीक है। और नहीं भी टाइम है तो एक बार संपर्क करें, आएं, मौजूद पता करें, ठीक है दोस्तों। सभी तरह की जानकारी हम देंगे आपको, ठीक है भाई। नए सेट लेने हैं नए मिलेंगे, रिपेयरिंग करवानी है रिपेयरिंग मिलेगी, सब मिलेगा। अब इसके हम पेंच टाइट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबी ज़्यादा जा रही थी इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बढ़ाई है, और इसलिए हमें दिखाना पड़ता है बार बार, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए इस तरह से जो है ये बोर्ड फिटिंग हो चुका है, और हमने आपको पूरी वीडियो में दिखाया है शुरू से लेके एंड तक, ठीक है दोस्तों। और ये पंखे के तार जो है हम रह गए थे वो लगा देंगे, और उसके बाद जो है हम इसको चालू भी करके देखेंगे। आवाज़ की बात ऐसी दोस्तों, आवाज़ हम वीडियो में नहीं सुना सकते, हम रील में या शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, वो आप सुन सकते हैं। आउटपुट बहुत ज़बरदस्त है इसकी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें जो है आपको दिखाना और कॉपीराइट से बचना है। ये देखिए हम कार्ड वगैरह इसमें जो है मॉड्यूल यूएसबी बीटी हमने लगा दिया है, ये सेट चालू हो गया है, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि हमने आपको दिखाया, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, आप वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप इतना वीडियो में हमें प्यार देते हो, ठीक है दोस्तों। अब लड़का ये हमारा विकास जो है कनेक्ट करके इसको चला के देखेगा एक बार, उसके बाद इसको पैक कर देंगे, ठीक है भाइयों। और जैसा कि हमने आपको दिखाई रहे हैं, ये बिल्कुल सही चल रहा है, ओके चल रहा है, सेट लगा के हमने देख लिया, पंखा भी आप देख रहे होंगे घूम रहा है फुल स्पीड पर, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको पैकिंग कर देंगे, पैक करने के बाद हम कस्टमर को जो है दे देंगे, ठीक है दोस्तों। और क्वालिटी बना रहे हैं, क्वालिटी ही देते हैं, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ऐसे हिला हिला कर देखना पड़ता सेट को, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद जो है हम ग्लू लगा देंगे, जो तार ओपन थी इसकी, ठीक है, जिससे कोई हिले ना, ये पंखे पे भी डाल देंगे, ठीक है, कंडेंसर भी शॉर्ट चिपका देंगे, जिससे मतलब हिले ना, हिल के जो वाइब्रेट करने से पार्ट्स उसका हिले ना, ठीक है दोस्तों। ये सेटअप लगभग लगभग हो गया है तैयार, ठीक है भाइयों। हमने शुरू में भी आपको दिखाया वीडियो में, और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारी वीडियो जो है शेयर ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। हमारा मकसद आपको यही दिखाना है कि मैं हर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, छुपाते नहीं हैं हम, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ओपन टू काम करते हैं। कि कई मिस्त्रियों का काम होता है कि बिल्कुल दिखाते नहीं कुछ भी, करते क्या हैं, हम तो बिल्कुल ओपन करके करते हैं। कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में दिखा रहे हैं हर टाइम कि क्या कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और आप सभी भाइयों का प्यार हमें चाहिए, आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। ये तीनों तार हमने जो है मोड का और आगे पीछे गाना बढ़ाने का, वो जो तीनों तार हमने इसमें स्विच में लगा दिए हैं, उसके बाद हम ये कार्ड में लगा देंगे। कार्ड में लगाने के बाद इसको जो है कार्ड हम चिपका देंगे, ठीक है दोस्तों। पूरी वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये वायरिंग की इसकी, ठीक है भाइयों। और ये IR है, IR हम लगाएंगे 3 वोल्ट पर। इसका राइट वाला जो है हम लगा देंगे 3 वोल्ट पर,
बीच का लगा देंगे ग्राउंड, और लेफ्ट साइड में जो है इसका आईआर है वो लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। और देखते रहें और जुड़े रहें हमसे, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से जो लगभग ये सेट तैयार हो ही गया है, और आप जितने भी भाई हमारी वीडियो में जुड़े, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और ये सेटअप तैयार हो गया है। बस कार्ड लगाना रह गया है, ओके हो गया है। और सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप एक बार विजिट जरूर करें जशन म्यूजिक सेंटर, कोट कादर, तहसील नगीना, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।